चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप विधवा पेंशन का ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। इसी विधवा पेंशन को हम निराश्रित महिला पेंशन भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा कि विधवा पेंशन अलग है और निराश्रित महिला अलग है। तो विधवा पेंशन के बारे में पहले जान लेते हैं। विधवा पेंशन होता है जिस महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसके किसी कारणवश उसके पति का मृत्यु हो जाती है, तो उसे सरकार की ओर से 1000 रुपये महीने का दिया जाता है। मतलब 1 महीने में 1000 रुपये दिया जाता है। तो इस नियम को सबको लागू होता है, भले ही उसकी उम्र कितना ही, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वृद्धा पेंशन में क्या होता है, 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसमें 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और उसी राज्य से उस राज्य की ओर से आपको 1000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है पर मंथ। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। तो गवर्नमेंट का समाज कल्याण वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। तो इस पर आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आकर टाइप कर देना है गूगल पर यूपी पेंशन स्कीम, उसके बाद इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, और डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कई ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तो यहाँ पे हम सिर्फ जानेंगे निराश्रित महिला मतलब विधवा पेंशन का ऑनलाइन करना। अगर नहीं जानते हैं कि वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑनलाइन करने के लिए बताते हैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ग्रीन कलर का योजना के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कि आप निराश्रित महिला पेंशन है, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता देख सकते हैं कि क्या पात्रता है, आवेदन का प्रारूप आप भी देख सकते हैं। और यहाँ से लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका लिस्ट देख सकते हैं, 2022-23, 2021-22 का लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन चलिए हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, महिला विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला के पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। यहाँ पे आवेदन पत्र आपको भर देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ पर आपको पहले भरना है अपना डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरने का आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से। तो अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो इसको ऑन कर लेना है, और शहर से बिलोंग करते होंगे तो नगरीय क्षेत्र का, तो हम गांव से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका तहसील है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है, पंचायत है और गाँव, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एक एक, ठीक। और इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आ जाना है नीचे, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आवेदक का नाम सेलेक्ट करने थे, जो आवेदक का नाम है जैसे आधार कार्ड पे वैसे आपको यहाँ पर अपना उसका नाम भर लेना है। तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं और मन करते हैं हिंदी में भी भर सकते हैं, चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेंडर, तो जेंडर में हमेशा क्या रहेगा, फीमेलन रहेगा, मेल तो विधवा होता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए, उसके बाद यहाँ पर अपना जन्मतिथि भर लेना है, जिस भी औरत का आप यहाँ पर ऑनलाइन करने जा रहे हैं उसका आपको यहाँ पर जन्मतिथि भर देना है। जन्मतिथि भरने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पति का नाम भर देना है, जो पति का नाम है। उसके बाद सैलरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से सैलरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो आपका है वो आप यहाँ पे भर देना है, ठीक। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है, मतलब कंटिन्यू ऑन रहना चाहिए, वो भर देना है। एक बार यहाँ पर भरेंगे फिर से कन्फर्म भर देंगे, यहाँ पर फुल एड्रेस आपको भर देना है। इतना भरने के बाद आपको आ जाना है बैंक का विवरण भरना है। तो बैंक के विवरण में आपको देखिए क्या क्या भरना है, यहाँ पे अपना बैंक का नाम देना है, उसके बाद जो ब्रांच है उसका नाम देना है, खाता संख्या भरना है, फिर से दोबारा खाता संख्या भरना है, और नीचे आईएफएससी कोड आपको भर देना है। आईएफएससी कोड आपके पासबुक पर रहता है, वहाँ से आप भर दीजिएगा। इतना भरने के बाद ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आय का विवरण भरना है। तो आय का विवरण में आपको देखिए क्या भरना है, अगर निराश्रित महिला है तो उसकी आय का जो सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा, कितना बनवाना है, 2 लाख से कम बनाना है पर ईयर का, ठीक। इतना आपको कम बनवा देना है तभी आपका होगा, इससे ज़्यादा हो रहा है अगर आपका आय वर्ष का तो वहाँ पर क्या होगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। 2 लाख से कम बनाएगा, ध्यान दीजिएगा बनाते समय, ठीक।
उसके बाद आपको क्या करना है, तहसील के जो भी आपको आय मिलता है उसका एप्लीकेशन नंबर भर लेना है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा, जो आपका रंगीन फोटो है 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, रंगीन साइज पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। नीचे आएंगे तो जन्म तिथि का प्रूफ अपलोड करना है। जन्म तिथि का प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका फोटो लेकर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे तो अपना जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आप ब्लॉक से बनवा सकते हैं, ग्राम प्रधान से कहकर आप वहाँ पे बनवा सकते हैं और उसको यहाँ पे फोटो खींच कर PDF के रूप में अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन के फॉर्म में आप यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पर देखा देगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम जानकारी भरे वो सही जानकारी है और पूरे सत्य है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इतना भरने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक बात का ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कुछ समय लेट होता है तो देखिए आप अप्लाई करने का समय गलत चुना है, क्योंकि जो भी पेंशन का अप्लाई करने के लिए जो भी अप्लाई किया जाता है उसका अपडेट अप्रैल मई और जून में किया जाता है। तो अगर मान लीजिए पहले कर दे होंगे तो आपको तीनों महीने तक वेट करना है। 3 महीना जब आएगा तब आपका अपडेट कर दिया जाएगा और आपका नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। तो आप ऐसे विधवा पेंशन का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत